और एक बड़ी खबर की ओर रुक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर इस बार सामने आई है, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। और आपको बता दें कि करीब 26 साल पुराने इस मामले में सजा सुनाई गई है, गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 10 साल के लिए मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है और साथ ही 5 लाख का उन पर आर्थिक दंड भी जोड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान किया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये स्पेशल सुनवाई हुई है। सुरक्षा के कारणों की वजह से ईडी दफ्तर में ही मुख्तार अंसारी के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई और इस पर फैसला आया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शुभम तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी हमारे शुभम, उनसे बात करेंगे। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि इतने पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को आखिरकार सजा हो चुकी है, अब मुख्तार का बयान यहाँ पर कब रिकॉर्ड किया जाएगा? बयान रिकॉर्ड जो अभी 26 साल पुराने मामले में जो बनारस में कांग्रेस के बड़े नेता अवधेश राय उन्हीं के हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है, और जिसमें एडिशनल एसपी पे भी हमला हुआ था, इसी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। और आज अभी 2:30 बजे गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्तार के अलावा जो 26 लोग थे उनको बरी कर दिया गया है, जिसमें 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी और भीम सिंह है, इनको दोनों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और 50,000 का जुर्माना लगाया है। जी शुभम, अब ये जानकारी निकल के आई है कि 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है कोर्ट की तरफ से, जहां पर मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या लगता है, क्योंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई है उनको, तो उस दिन उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? जिला न्यायालय के पास जिला न्यायालय के सामने बड़ी चुनौती है कि वो मुख्तार अंसारी को मतलब सकुशल पेश कराए और कोर्ट के सामने पेश कराए और फिर आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लागू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो शामिल होने की इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि उनको ईडी ने अभी गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इसलिए अभी कानूनी पेच बहुत है कि वहां से वो किस तरीके से आएंगे, पेरोल पे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इन सब पे आगे की स्थिति स्पष्ट होगी कि वो हाजिर होंगे या कैसे होंगे। जिला न्यायालय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस मतलब उनको लाए, हाजिर करके फिर सकुशल जेल तक पहुंचा दें। जी शुभम, आपसे और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी पे कई मुकदमे जो हैं गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुके हैं, ऐसे में इस मामले में अब सजा निकल कर आई है, क्या लगता है और भी अभी सुनवाई आगे होनी बाकी है, और भी कोई सजा उन्हें सुनाई जा सकती है? अभी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी आप देखेंगे तो इससे पहले वो अपने पुराने मामलों में गिरफ्तारी हुई थी या जेल चल रही थी या ट्रायल चल रहे थे, लेकिन अभी जो कल गिरफ्तारी उनकी हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग में हुई है, जिसमें उनके बेटे और उनके एक बड़े भाई जो गाजीपुर से सांसद हैं बीएसपी के, अफजाल अंसारी का भी नाम है, और गबन का हेर फेर का जो मामला बनता है उसी में कल ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभी तक उनके पास केवल जो आपराधिक छवि के मुकदमे जो दर्ज थे उन्हीं में वो फंसते जा रहे थे लगातार, लेकिन अभी की स्थिति है उसमें ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग या इनकम टैक्स के जो छापे लगातार पड़ रहे हैं, इससे पूरी तरीके से अंसारी परिवार फंसता नजर आ रहा है। वो चाहे ईडी की रेट हो, चाहे अभी जो गबन का मामला हो, इन सबों में लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके जो वो लगातार इस बात को कहते हैं कि केवल हमारे विरोधियों द्वारा हमको फंसाया जा रहा है और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इस तरीके से ईडी ने भी क्योंकि मुख्तार अंसारी से पूछताछ शुरू की है, वो ईडी के दफ्तर में ये सब मौजूद है, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई ईडी के द्वारा, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी कई गुप्त सूचनाएं मुझे लगता है ईडी के पास अभी है, जिसके आधार पर ये पूछताछ की जा रही है। अभी ईडी के बारे में थोड़ा सा आप पीछे जाएंगी तो देखेंगे कि लगातार ईडी के छापे पड़े हैं उनके भाई पे, उनके गाजीपुर आवास पे, उनके लखनऊ के आवास पे, उनके तमाम जो प्रॉपर्टी हुई है उस पे लगातार रेड पड़ा है, और कुछ गबन की खबरें आई हैं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ मतलब सबूत उसको मिले हैं ईडी को, जिस आधार पर उसने जाँच शुरू की है, और उनके बेटे पे भी बड़े आरोप लगे हैं, उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, और मुख्तार अंसारी अपने कार्यकाल में जबरदस्ती, अवैध अतिक्रमण, और आप देखेंगे कि उनके जो सर्जिल हैं उन पे भी तमाम गिरफ्तारियां हुई, उनसे भी लगातार कोर्ट और ईडी की पूछताछ जारी है, उनकी पत्नी पे भी जारी है, तो बड़ा कोई गबन का मामला बनता है तभी इस तरीके से मामला आगे बढ़ता जा रहा है।
चलिए शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त सामने आई है राजनीतिक गलियारों से। यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर की तरफ से मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। 26 साल पुराने इस मामले में मुख्तार अंसारी को आज सजा सुनाई गई। साथ ही इस सजा के आधार पर अब उन्हें 10 साल की सजा है और साथ ही 5 लाख का जुर्माना जो है लगाया गया है मुख्तार अंसारी पर। हालांकि ईडी भी अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मुख्तार अंसारी इस वक्त फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका पूरा परिवार जो है वो इस वक्त शक के दायरे में है। लगातार पूछताछ चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के परिजनों के साथ भी पूछताछ इस वक्त ईडी कर रही है और जल्द ही ईडी एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो सजा सामने आई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से वो ये कि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और 26 साल पुराना ये मामला है जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई थी।